नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष हेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको द्विग्रह योग के बारे में बताने वाला हूँ। द्विग्रह योग का तात्पर्य है दो ग्रहों के बारे में। अगर जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में अगर दो ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठ जाएं तो क्या फल होता है, इसके विषय में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। जो जन्म पत्रिका जैसी बनती है, ये जन्म पत्रिका है और जन्म पत्रिका में आपने देखना है ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम है, ये षष्ठम है, ये सप्तम है, ये अष्टम है, ये नवम है, ये दशम है, ये एकादश है, ये द्वादश भाव है। ये जन्म पत्रिका के भाव हैं और इन भावों में द्विग्रह योग एक साथ बन जाए, मैंने यानी कि दो ग्रहों का योग एक साथ बन जाए तो क्या फल होता है। वह दो ग्रह कौन कौन से हैं जिनके बारे में, वह दो ग्रह कौन कौन से हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सूर्य और चंद्रमा। ये दो ग्रह एक साथ आपकी जन्म पत्रिका में बैठ जाएं, पहले तो एक दोष बनता है, अमावस दोष इसको कहते हैं। अमावस दोष जन्म पत्रिका में बनता है अगर ये दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं। लेकिन हमारी जो डिबेट है, जो मैं आज चर्चा कर रहा हूँ, इसके ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ द्विग्रह योग पर, कि दो ग्रह अगर एक साथ जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में, प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ में, पंचम में, षष्ठम में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, दसम में, एकादश में, द्वादश में बैठ जाएं, उसका क्या फल है। आपने इसमें कोई सा अंक नहीं देखना है कि कौन सा अंक कहाँ बना हुआ है। आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की भी हो सकती है, या एक अंक भी हो सकता है, वृषभ लग्न दो अंक भी हो सकता है, तीन अंक भी यहाँ लिखा हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप मेष से लेकर मीन लग्न पर्यंत आप कोई सा भी आपका लग्न हो सकता है, इसे कहते हैं लग्न। जब हम ज्योतिष सीखते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लग्न किसे कहते हैं, कहाँ से अंक प्रारंभ होते हैं, ये लग्न भाव है। तो हमने इसमें कोई लग्न नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना, हमने देखना है अगर ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा एक साथ आपकी कुंडली में द्विग्रह योग में बैठे हुए हैं, इसका फल क्या होता है। इसका फल मैं आपको बताने वाला हूँ। स्त्री वशः कूट कर्मा च दुर्विनीतः क्रिया दृढ़ विक्रमी लघु चेताश्च चंद्र सूर्य समागमे ही। संस्कृत में मैंने आपको श्लोक बताया, मैं जो ये बातें बता रहा हूँ ये प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, ऐसे नहीं फालतू बता रहा हूँ कि आपको मैं ऐसा ही ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा, मैं एक आपको प्रमाणित ज्ञान दे रहा हूँ। इसका प्रभाव आपकी कुंडली में क्या होगा। जन्म कुंडली में अगर सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो ऐसा जातक, एक साथ सूर्य चंद्रमा जन्म कुंडली में एक साथ एक योग में बैठ जाएं, योग का तात्पर्य जैसे आप 2 + 2 करते हैं 4 बनता है, इसका मतलब यही है, योग का तात्पर्य है साथ में दो ग्रहों एक साथ बैठते हैं उसको योग कहते हैं। जन्म कुंडली में दो ग्रहों यानी कि सूर्य चंद्रमा का योग आपके किसी भाव में भी बनता है। स्त्री वसा कूट कर्मा च, वह जातक, वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ रहते हैं, वह जातक, वह मनुष्य स्त्रियों के बस में ऐसा जातक रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह बहुत ज्यादा स्त्रियों को प्रेम करने वाला होता है और स्त्रियों के बस में रहता है वो व्यक्ति, कोई भी स्त्री उसको फंसा देती है और वह भी किसी स्त्री को अपने प्रेम के जाल में फंसा देता है, वह कई स्त्रियों से प्रेम करने वाला ऐसा जातक होता है जिसकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ कहीं भी बैठे हुए। फिर आपने भाव में देखना है, उस भाव का प्रभाव थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा, लेकिन ज्योतिष कहता है अगर ये एक साथ द्विग्रह योग एक साथ बैठ जाए तो ये फल उसका होता है। कूटकर्मा, कूटकर्मा का तात्पर्य है आडंबर रचने वाला होता है, वह व्यक्ति दिखने में कुछ और होता है और होता कुछ और है, उसकी चाल ढाल कुछ और होती है और उसका अंदर कुछ और चल रहा रहता है, आडंबर रचने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, दिखता कुछ और है होता कुछ ऐसा व्यक्ति और है, ऐसा जातक जो होता है उदंड होता है,
किसी समय भी कुछ बोलने वाला, उसके मुंह में कुछ भी बातें आ सकती हैं, वह कुछ भी काम अचानक कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके जिसके सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, वह व्यक्ति क्या होता है, उदंड होता है और हर एक कार्य में दक्ष होता है। कहने का तात्पर्य है, उसे कोई भी काम दे दो वह सब काम को करने वाला होता है। कहता नहीं नहीं मेरी बस की बात, मैं कर लूंगा इस काम को, आप मुझे दीजिएगा। वो किसी येन के इन प्रकार ने उस काम को करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, कार्य में दक्ष होता है, उदंडी होता है, उसको कोई सा भी आप टॉस दे दो वो उस टॉस को पूरा कर लेगा। ऐसा जातक, यानी कि कहने का तात्पर्य कार्य में वह दक्ष होता है, सभी कार्यों में वह उसको महारत हासिल होती है। ऐसे व्यक्ति के जिसके सूर्य चंद्रमा एक साथ कुंडली में कहीं बैठ, जैसे सूर्य, मैं लिख देता हूँ यहाँ सूर्य प्लस चंद्रमा, ये योग यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई से भी भाव, बारहवें भाव में ये योग कहीं भी हो जाए तो वो व्यक्ति क्या होता है, कार्य दक्ष होता है। मतलब कहने का तात्पर्य वह व्यक्ति सब प्रकार के कार्यों को करने वाला होता है, उसे कोई सा भी काम दे दो उस काम में वो निपुण होता है। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा निडर होता है, पराक्रमी होता है, शूरवीर होता है, वह किसी से डरता ही नहीं है, उसको डर किसी बात का नहीं होता है, वो कहीं से भी लड़ाई करने भी चला जा सकता है और अंधेरे में भी जा सकता है, वह किसी समय भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा जातक जिसका पराक्रमी होता है, मेहनती बहुत ज्यादा होता है, ऐसा जातक जिसकी सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं, और थोड़ा सी वह छोटे हृदय का होता है। छोटे हृदय का कहने का तात्पर्य है, अगर उसके साथ प्रेम की बातें अगर आप कर लो, उसके साथ भावुक वाली बातें कर लो, उसके साथ आप पारिवारिक बातें कर लो, तो वो ऐसा व्यक्ति हृदय का बड़ा नवनीत होता है। नवनीत का तात्पर्य है जैसे मक्खन होता है ना, तो ऐसा उसका पिघल जाता है, ऐसा उसका हृदय पिघल जाता है जिसका चंद्रमा, क्योंकि ये इस कारण होता है कि चंद्रमा की युक्ति भी उसके साथ होती है। पराक्रमी तो मैंने बता दिया, लेकिन वह निर्मल होता है। निर्मल का तात्पर्य है उसके साथ आप भावुक बातें करें, भावनाओं की बातें करें, प्रेम की बात करें, पारिवारिक बातें करें, और उसके साथ आप धार्मिक बातें करें, तो ऐसा व्यक्ति को हृदय का भी छोटे हृदय नवनीत होता है। छोटे हृदय का जातक ऐसा होता है जिसके सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं जन्म कुंडली में। मैंने आज बताया द्विग्रही योग के बारे में, द्विग्रही योग में आज मैंने बताया सूर्य चंद्रमा के योग के बारे में। आगे भी मैं सूर्य बुध के बारे में, सूर्य मंगल के बारे में, द्विग्रही योग पे मैं चर्चा करता रहूंगा। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।